Hello everyone, this is Ashish Jain. This is another video on income from house property. देखिए हमने फॉर्मेट पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फर्स्ट हमने देखा ग्रोस एनुअल वैल्यू, हमने देखा कैसे इसको कंपैरिजन करके ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. देन वी विल डिडक्ट म्युनिसिपल टैक्स. टैक्स पेड ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, पेड लेना है, ड्यू अमाउंट नहीं देना. इसको माइनस करके यहाँ पर क्या रहता है, नेट एनुअल वैल्यू. देन गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शन देती है. गवर्नमेंट हमें डिडक्शन देती है दो, जो कि दो डिडक्शन होती है. एक होती है हमारे पास सेक्शन 24A, जिसको हमने डिस्कस किया था कि कितनी मिलती है स्ट्रेट अवे 30% डिडक्शन. ठीक है, ये अमाउंट हम यहाँ पे देते हैं. देन एक और देती है, दैट इज फॉर 24B, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. यानी अगर किसी ने घर खरीदा हो, लोन पे लिया हो और उसकी कोई ईएमआई जा रही है, तो उस पर गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है. इसका टोटल हम यहाँ पर देते हैं. माइनस करने के बाद आपके पास आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अब तक. ग्रोस अर्न वैल्यू हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, एंड 30% डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A. आज हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दैट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 24B. देखिए चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है, या फिर एग्जाम में अगर आप कोई ट्रिकी क्वेश्चन अगर कहीं पर फंसाना चाहता है, तो वो यही पॉइंट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ठीक है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में ये वीडियो सेपरेट बनाई है, ताकि आप सब या फिर मैं भी जो है इस पॉइंट पे आपका फोकस बना रहे. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. देखिए अगर कोई भी SSC अगर कोई भी घर खरीदता है, ठीक है, तो या तो वो उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देगा, या तो लेट आउट कर देगा. ठीक है, अगर वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देता है और उस घर के लिए वो EMI पे कर रहा है, तो उसके लिए अलग कंडीशन है, लेट आउट के लिए अलग है. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये डिस्कस कर रहे हैं. देखिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, तो इसकी देखिए दो डिडक्शन है. गवर्नमेंट ने दी यहाँ पर दो डिडक्शन दी है. क्या क्या डिडक्शन है देखिए, यहाँ से एक तो डिडक्शन है मैक्स टू मैक्स, टू लैख पर एक है मैक्स टू मैक्स 30,000. ये दो टाइप की डिडक्शन है. ठीक है, ये डिडक्शन कब मिलेगी, ये डिपेंड करता है इस स्टेटमेंट पे. इफ लोन टेकन, इफ लोन टेकन कंडीशन अगर ये फुलफिल कर देते हैं, तो क्या कंडीशन देखे जहाँ से, अगर लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तो आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 लाख मिलेगी.
प्लस अगर आपने घर खरीदा है फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 5 ईयर्स। ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लोन लिया है असासे ने, ठीक है, और अगर उस घर को उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद घर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 लाख की मिलेगी अगर वो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो। ठीक है, तीन कंडीशन क्या है, या तो उसने घर कब लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, प्लस वो घर उसने या तो खरीदा है या फिर कंस्ट्रक्शन अभी कराना है, और कंस्ट्रक्शन के लिए तो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड इन 5 ईयर्स। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अमाउंटिंग ₹2 लाख। ये बहुत ध्यान से देखना आप। दो लाख की डिडक्शन मिलेगी, बाकी अदर केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 30,000 ही मिलेगी। बाकी अदर केस क्या हो सकते हैं, या तो घर इससे पहले लिया हो, या तो घर किसी और पर्पस के लिए करा हो, या फिर लोन लिया हो, मान लीजिए रिपेयर के लिए लोन लिया हो, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन जो है 5 साल से पहले हो रही है, बिफोर 5 ईयर्स। तो फिर उस केस में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 30,000, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि इस साल से गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया था कि असेसी जो है एक से ज़्यादा घर, मतलब सॉरी, एक या दो घर वो रख सकते हैं सेल्फ और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। अगर दो से ज़्यादा घर हुए तो बाकी सारे घर क्या माने जाएंगे, डीम्ड लेट आउट माने जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए दो घर हैं, दोनों घर के लिए अगर लोन लिया है, ठीक है, तो फिर डिडक्शन कितनी कितनी मिलेगी, उस केस में आपको देखना है मैक्स टू मैक्स आपको 2 लाख ही मिलेगी। ध्यान से देखिए, दोनों ही केस में आपको मैक्स टू मैक्स 2 लाख ही मिलेगी, इससे ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका केस इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल इन केस ऑफ सर्व ऑक्यूपाइड। अब बात करते हैं हम लेट आउट वेजेस में। फॉर द केस ऑफ लेट आउट इट्स वेरी सिंपल दैट देयर इज नो लिमिट, ड्यूरेशन अमाउंट लेने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्चुअल अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। एक बात तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब ईएमआई रहती है तो वो ईएमआई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट और नॉन कितना अमाउंट, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अब जरा इस पॉइंट को एक बार फोकस करते हैं, दैट इज सेकेंड केस, ये वाला केस, इस केस की बात कर रहा हूँ। अगर घर खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, तब तो कोई दिक्कत नहीं, जितना अमाउंट पे कर रहा है उतने की इंटरेस्ट ऑन लोन आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपये, अगर सारी कंडीशन फुल हो रही थी, ठीक है। बट अगर कंस्ट्रक्शन के परचेज पर्पज़ के लिए खरीदा है और साल पर को बैठा हो, तो उस केस में डिडक्शन
की कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, वो जरा आपको ध्यान से देखना है। अब जो मेन जो ट्रिकी पॉइंट है देखिए क्लास, वो यहाँ पर है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इन द केस ऑफ सेल्फ अप्लाइड, ठीक है। और ये कौन सा पर्पस है, अगर एक कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होना बाकी है उसमें, तो उस केस में देखिए क्या होगा। देखिए दो केस होते हैं, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर केस पोस्ट कंस्ट्रक्शन हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्चुअल अमाउंट जितना पे करा है प्रीवियस में उतनी आपको रिडक्शन मिल जाएगी, एक्चुअल अमाउंट पेड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, उतने की ही आपको जो है रिडक्शन मिल जाएगी। लिमिट आपको वैसे दिखनी है जैसे मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ 30,000 एंड 2 लाख, बट अगर प्री कंस्ट्रक्शन हुआ तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो आप लोग खुद वो ध्यान से देखना है। प्री कंस्ट्रक्शन की जो डिडक्शन है वो हमें मिलती है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इसकी जो ये डिडक्शन है उस केस में मिलती है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बट स्टार्टिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने लिया है वो किसके लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन पर के पर्पस के लिए है। तो इस केस में जो है दो केस होते हैं आपके, कि आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो उसकी डिडक्शन इस पर डिपेंड करती है अभी। अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ठीक है, तो सारी आपको डिडक्शन जो कब कितनी मिली, जितना एक्चुअल अमाउंट आपने पे किया है उतनी आपको डिडक्शन मिलेगी इन द केस ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। बट अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो उसकी डिडक्शन आपको 5 ईयर इंस्टॉलमेंट मिलेगी। कौन से साल से मिलेगी, जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उस ईयर से आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए लोन
taken on 1 April 2012, ठीक है, एंड आपको गिवन है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 6 जून 2015, ये गिवन है आपको। लेट लोन टेकन फॉर ₹10 लाख, इंटरेस्ट अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% एंड लोन रीपेड ऑन एंटायर लोन रीपेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ एंटायर लोन रीपेड ऑन 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। अब देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे देखना है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन ये बनाए, ठीक है, असैसिन ने लोन कब लिया, ऑन 1 अप्रैल 2015, जिसकी कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुई है, 6 जून 2015। देखिए आपको कंडीशन बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं कि ये जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ले रहा है, ठीक है, रहना है उसको, लेट आउट नहीं करना है। तो देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको क्या रहेगी, या तो 30,000 या फिर 2 लाख। अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कम्प्लीट हो रही है तो क्या हो जाएगा, 5 लाख। देखिए कंस्ट्रक्शन लोन कब लिया, 2012 में कम्प्लीट कर हुई है, 6 जून 2015, दैट मीन कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट इन 5 ईयर्स। तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख रुपये मिल जाएगी, ठीक है। अब और देखिए लोन कब लिया, 2012 में, यानी कि आफ्टर 1999, तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 लाख रुपये। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको पीरियड डिवाइड करने पड़ेंगे बिटवीन द प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन के देखिए कैसे पता लगेगा कि कौन सा पीरियड जो प्री कंस्ट्रक्शन और कौन सा पीरियड जो है पोस्ट कंस्ट्रक्शन, वो देखना है। उसके लिए स्टेप वन क्या करें, ध्यान से देखिए, आपको डेट पे फोकस करना है, इस डेट पे कि कंस्ट्रक्शन कब कम्प्लीट होगा, दैट मीन्स ऑन 6 जून 2015। इसका प्रीवियस जो एंड ईयर था, प्रीवियस ईयर वो कब फिनिश हुआ था, 31 मार्च 2015, यही था। इससे पहले जो फाइनेंशियल कब फिनिश हुआ, 31 मार्च 2015। बस अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस पीरियड को बोल देंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आई रिपीट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए क्या होगा, आपको देखना है फोकस किस पे करना है, आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो कितनी है, 6 जून 2015। अब उससे जो पहले जो फाइनेंशियल ईयर था वो कब कंप्लीट हुआ, दैट इज़ ऑन 31 मार्च 2015, ठीक है। अब आपको करना है जब जहाँ से लोन लिया और उस जो फाइनेंशियल जो एंड हुआ उस पीरियड को बोलेंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका आपको होगा यहाँ से, बाकी सारा पीरियड आपका क्या रहेगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी जहाँ से ये हुआ ये सारा क्या रहेगा आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। कैलकुलेशन करनी है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की, दोनों की डेट से मिलेगी, प्री की भी एंड पोस्ट की भी। क्या कैलकुलेशन बताया मैंने, प्री कंस्ट्रक्शन की मिलेगी हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, देखिए
प्री क्वेश्चन भी लिखे देखिए, 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2015, यही है। देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको। 10 लाख का लोन था, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है 10% फॉर दी 3 ईयर्स, 3 साल का हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, 12, 13, 13, 14 एंड 14, 15, 3 साल का हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़। इसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी इन इक्वल 5 ईयर इंस्टॉलमेंट्स, दैट मीन्स ईच ईयर कितनी मिलेगी 60,000। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि 60,000 अमाउंट जो है कौन से साल से आपको मिलेगा। देखिए मैंने ऊपर क्या लिखवाया था आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। ईयर देखिए कंप्लीशन कब स्टार्ट, कंप्लीशन कब हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन कौन से ईयर में आपका कंप्लीशन हुआ, दैट इज ऑन 1516, इसी ईयर से ये प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिलने वाली। तो देखिए पहली जो इसी कब मिलेगी, प्रीवियस ईयर 1516 में मिलेगी 60,000, देन 1617 में मिलेगी 60,000, देन 1718 60,000, 1819 60,000 एंड लास्ट 1920 60,000। ठीक है, अब हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कौन सी ईयर की गठित करेंगे, असेसमेंट कौन सा ईयर होगा हमारा, अभी करंट सब चल रहा है दैट इज 2021, प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका 1920। तो हमारे लिए जो प्री कंसेशन अमाउंट है वो कौन सा मैटर करेगा, दिस ईयर। ठीक है, तो फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्री कंसेशन पीरियड इज 60,000। अब बात करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, देखिए एक्चुअल अमाउंट पेड इन प्रीवियस ईयर, बस यहाँ देखो लोन कब रीपे हो गया 1920 में, देखिए 31 अक्टूबर 1920 को ही हो गया, दैट मीन्स उसने इंटरेस्ट और नॉन अक्टूबर तक पे किया होगा फॉर द 6 मंथ फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, चलिए इसको सॉरी 9 कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी करेंगे, ठीक है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो देखिए 6 महीने का पे किया, तो देखिए पोस्ट कंसेशन पीरियड की कैलकुलेशन कैसे होगी, कितने का लोन लिया था 10 लाख का, उस पर इंटरेस्ट कितना था 10%, एंटायर लोन उसने सितंबर में पे कर दिया तो उसने इतना ही पे करा, तो उसको इतनी की ही डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन कितनी होगी, टोटल डिडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल रही है 2 लाख रुपीज़ की, तो यहाँ पे कितनी मिल रही है देखिए 60,000 प्री कंस्ट्रक्शन की एंड 50,000 पर पोस्ट कंस्ट्रक्शन की, टोटल कितनी मिलेगी 1,10,000। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके चलिए सपोज, अब देखिए मैं सपोज होता हूँ दैट मीन्स ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से मिलेगी, क्वेश्चन में वेरिएशन दिलानी पड़ेगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो, आपको किस तरह का कोई डाउट ना हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कोई मिसेस आर है, उसने लोन लिया है 10 लाख का, उसका रेट है 12% पर एनम इंटरेस्ट।
किसके लिए लिया? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, कब लिया ये लोन? लोन टेकन ऑन फर्स्ट दिसंबर 2015 एंड शी रीपेड एंटायर लोन ऑन 31st ऑफ मार्च 2016। नाउ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1st Jan 2018। नाउ वी टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन वर्क कैपिटल फॉर द ईयर और फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। देखिए कैसे करेंगे, स्टेप वही करेंगे हम जैसा हम पहले कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, पहले लिखना है लोन। देखिए कब लिया हुआ, 1st जनवरी 2015 ये लोन लिया। कंस्ट्रक्शन कब कब कंप्लीट हुई है? ऑन 1st जनवरी 2018। ओके, यही हुआ। इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर हुआ वो कब फिनिश हुआ? ऑन 31st मार्च 2016। सो दिस विल बी अ पीरियड ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, बट इन दिस केस आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपका एंटायर लोन देखिए कब फ्री हो गया? ऑन 31st ऑफ मार्च 2016। देखने की इसी डेट पे ही हो गया, तो आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, क्योंकि पोस्ट कंस्ट्रक्शन आपको किस ईयर के लिए लगा? 1920 के लिए। 1920 के लिए पोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं, एंटायर लोन से फ्री पे कर दिया। ठीक है, क्योंकि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या मतलब होता है, हम डिडक्शन कैसे दें? एक्चुअल अमाउंट पेड इन दैट प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में पे ही नहीं करा तो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डिडक्शन क्यों मिलेगी? मिलेगी नहीं, तो किसकी मिलेगी? ओनली फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मिलेगी। तो देखिए इसका सिंपल फंड है, कैसे कैलकुलेशन करनी है आपको, बस आपको पीरियड कैलकुलेट करना है। देखिए 1st अप्रैल 2015 से आपको 31st ऑफ मार्च 2016 के लिए आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मिलेगी। कितनी मिलेगी? देखिए डिडक्शन 10 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। अच्छा यहाँ पर देखिए, एक तो वेट, लोन कब लिया था? सॉरी, ये आपका जनवरी है, जनवरी है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 15-16 का तो 12 मंथ्स ही हो गया। ठीक है, बट 14-15 का 3 मंथ्स है बस। ठीक है, तो पहले हम 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 by 12 कितना हो गया? 13। एंड फॉर देन हम कैलकुलेट करेंगे फॉर दी एंटायर ईयर के लिए कितना रहेगा? 12,000। टोटल हो गया ये 15,000। सो दिस विल बी दी टोटल अमाउंट होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन मिलने के लिए। नाउ दिस अमाउंट विल बी डिवाइड बाय 5 विच कम्स अमाउंट रुपीज 3,000। ये होगी अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये किस ईयर से मिलेगी, कौन सी ईयर को कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुई है? ऑन 31st ऑफ मार्च 2016। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा ईयर स्टार्ट होगा आपका? स्टार्ट हो गया 16-17। ठीक है, तो फर्स्ट कब से मिलेगी आपको? ईयर देखिए 2016-17 को मिलेगी, 17-18 को मिलेगी, 18-19, 19-20 एंड 20-21। सब में कितना अमाउंट मिल जाएगा आपको? 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 एंड 3,000। बट वी नीड ओनली डिडक्शन फॉर द ईयर ऑफ 1920। बस यही आपका फाइनेंस होगा, दैट्स इट, प्री कंसेशन मिलेगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कैसे कैसे डिडक्शन करते हैं। आप एक नया कंसेप्ट करते हैं। देखिए कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। इसको थोड़ा हम
से डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इसको हम अगर माइनस करते हैं, कहाँ से रेंट माइनस करते हैं? एनुअल रेंट से इसको हम माइनस करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में करें एनुअल रेंट से क्या करते हैं, अनरियलाइज रेंट माइनस कर देते हैं। और फिर जो भी अमाउंट आता है उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट या फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर देते हैं। बट क्या क्वेश्चन ये रह सकता है, क्या हम इसको ऐसे ही माइनस कर दें, गवर्नमेंट हमें अलाउ करने देगी? पहले बात तो ये रेंट अनलेस है क्या, वैसे लॉस हो गए किसको, ओनर को हो गया बिकॉज वो रिकवर नहीं कर पाया टेनेंट से। तो ऐसे क्या रीज़न है जो कि टेनेंट से वो रिकवर नहीं कर पाया? ऐसे तो कोई भी झूठ मूठ आके कोई भी बोल सकता कि नहीं मुझे तो टेनेंट से ही रेंट मिला ही नहीं, 12 महीने में से मुझे 10 महीने में मिला या 6 महीने में मिला, फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हर साल ऐसा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट इसको हर साल ऐसे अलाउ करेगी? गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कंडीशन बनाई है, अगर उसने वो कंडीशन यानी कि ऑनर ने अगर वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो ही वो ये अनरियलाइज रेंट को माइनस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्या कंडीशन है? फर्स्ट, द टेनेंट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब क्या था यहाँ पर, दैट मीन इट शुड बी इन रियल, एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता हूँ। हवा में नहीं बोलना कि नहीं ये तो मेरा टेनेंट है, वो एक्चुअल में रियल लाइफ में वो एग्जिट होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। देन स्टेप्स हैव बीन टेकन टू वैकेट द प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ऑनर ने सारे स्टेप्स ले लिए कि टेनेंट को बोल दे कि तुम अब मेरा जो है ये प्रॉपर्टी खाली करो। उसने सारे हफ्ते आजमा लिए भाई, लेकिन कोर्ट बोलेगा कभी ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं कर पा रहे? अब ऑनर बोलेगा कि सर मैं तो जब भी उससे घर जाता था वो सामने बंदूक रहता था, अब बताओ मैं क्या करूँ उसमें, वो घर खाली नहीं करता था, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑनर हैव टेकन ऑल दी स्टेप्स टू वैकेट दी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसने सारे स्टेप ले लिए। देन कौन से स्टेप लेंगे, रीजनेबल या फिर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हो तो ही मान्य जाएगी, ऐसे नहीं माने जाएगी, ठीक है। सो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही ये अनरियलाइज यहाँ से माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इन दैट इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन बताएगा कि अनरियलाइज रेंट की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है आपका, लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अभी तो हम बात करते मिला ही नहीं, मिल गया तो क्या करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए दो सेक्शन बनाए गवर्नमेंट ने, पहला है 25AA, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इनकम इट शुड बी ट्रीटेड एज इनकम इन इन विच ईयर इट इज रिसीव। 25AA में क्या बोला हुआ है कि अनरियलाइज रेंट चाहे आपको कोर्स किसी भी साल का मिला हो, ठीक है, जिस साल में आपको मिला हो उसी साल में आपकी वो इनकम मानी जाएगी, चाहे आप उस साल ओनर हो या ना हो, ठीक है। मान लीजिए आप 2018-19 में आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर थे, आपका टेनेंट भी था, आपके टेनेंट ने पूरा अमाउंट नहीं दिया रेंट को, 1920 में आपने वो प्रॉपर्टी किसको सेल ऑफ कर दी, ठीक है। अब वो टेनेंट जो है उसने जो डी अमाउंट आपको नहीं दिया वो आपने 1920 में दिया, तो 1920 में आपको वो काउंट होगा चाहे आप ओनर हो या ना हो, ठीक है। अब इसमें एक और सेक्शन है, दैट इज 25BB, 25AB सॉरी, 25AB, ये क्या है, अनरियलाइज रेंट की रीज़न क्या है कि आपको ये रेंट वापस मिल जाए? देखिए, दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो वो अमाउंट ड्यू हो या तो वो एरियर हो,
ड्यू मतलब नॉट पेड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। एरियर इन द सेंस मीन्स कोई इंक्रीमेंटल अमाउंट हो, इंक्रीमेंटल अमाउंट हो, दैट मीन्स आपने किराया बढ़ा दिया बट उसने वो बढ़ा हुआ किराया नहीं दिया, उस साल नहीं दिया बट आपको इस साल दे दिया। मान लीजिए 2018-19 में आप 40,000 महीने आपका रेंट आता था, आपने 2019-20 से, सॉरी चेंज कर देते इसको, टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन में आपका 40,000 आता था, 2018-19 में आपने किराया बढ़ा दिया 45,000, बट टेनेंट ने आपको 45,000 ना देके 40,000 ही किया। उसने बोला कि मैं आपको नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 1920 में आपको सारा बड़ा हुआ किराया आपको सारा एक साथ दे दूंगा। तो उसने क्या करा, 1920 में मान लीजिए अप्रैल में ही उसने अब आपको अमाउंट जो है 5,000 पर महीने का, पूरे साल का कितना हो गया, 60,000 रुपये उसने ये एरियर दे दिया, तो वो आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। बट ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, ये कब कितना होगा, आफ्टर डिडक्शन एट द रेट 30% की आपको इसमें डिडक्शन मिल रही है। तो यानी कि आप 1920 में अमाउंट कितना लिखोगे, 60,000 नहीं लिखोगे, इसमें से 18,000 माइनस करोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कितना लिखोगे, 100% की, दैट इज 42,000 फॉर द ईयर 1920। ओके, तो ये था आपका कंसेप्ट अन रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। थैंक यू।